संस्कृत भाषा सीखने के लिए आज हम पांच बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि एनी लैंग्वेज दैट यू वांट टू लर्न, एनी लैंग्वेज और एनी स्किल दैट यू वांट टू परस्यू, वो आप क्यों करना चाहते हैं? मतलब उसको सीखकर आप लोगों को सिखाकर नाम कमाना चाहते हैं, इज्जत कमाना चाहते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं, लड़कियों को इम्प्रेस करना चाहते हैं, परिवार वालों को इम्प्रेस करना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं या फिर माइंड को शार्प करना चाहते हैं या फिर अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वॉट एवर यू नीड टू अंडरस्टैंड वो आपको क्यों करना है। और उसको करने से जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये सारी जो चीज़ें हैं ना यार, ये दौलत शौहरत पैसा इज्जत लड़कियों को इम्प्रेस करना एट्सेट्रा, ये कोई भी चीज़ करके आ सकता है। अच्छा रिक्शा वाला बनकर भी, अच्छा सफाई वाला बनकर भी, अच्छा पिज्ज़ा बनाने वाला बनकर भी, अच्छा शरबत बनाने वाला बनकर भी, अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनकर, अच्छा संस्कृत स्पीकर बन के, वॉट एवर। आपको ये समझना है कि जो स्किल आप जिसको मास्टर करना चाहते हो या फिर यू वॉन्ट टू परस्यू, वो आपके अंदर से प्रेम पूर्वक निकल रहा है, एफर्टलेसली निकल रहा है। एक महीने तक मैंने फाइट मारी, अहम एक मास पूर्वे संस्कृत भाषा यहाँ अध्ययनम आरंभ अकर्वम, तो एक महीने तक एक एक दिन मतलब पूरा एक्साइटमेंट रहा मुझे। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड वो जो प्रोसेस है ना, वो जो जर्नी है, वो आपको एक्साइट करनी चाहिए और अभी भी मुझे काफ़ी एक्साइट कर रही है व्हेन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट संस्कृत। तो पहली बात तो ये, दूसरी बात आपको माहौल बनाना होता है। माहौल कैसे बनेगा, जैसे संस्कृत की बात करते हैं, संस्कृत का अगर माहौल बनाना है तो वैसे तो आपके परिवार वालों का दोस्तों का सहयोग होना चाहिए, बट मीडियोकर सोसाइटी है, गुलाम लोग हैं, तो वो तो सहयोग मिलने से रहा। तो आप क्या करेंगे, आप YouTube Facebook का सारा लेंगे, Facebook पर भी संस्कृत इतनी है नहीं तो YouTube ही अकेला बचता है। YouTube पर आपको कार्टून मूवीज मिलेंगी संस्कृत पर, उन सब के लिंक में डाल दूंगा। YouTube पर आपको शॉर्ट फिल्म्स बनेंगी, शॉर्ट फिल्म्स मिलेंगी संस्कृत पर, वो उनके लिंक्स भी मैं डाल दूंगा नीचे। YouTube पर आपको संस्कृत में स्पीचेस मिलेंगी, YouTube पर आपको सुषमा स्वराज का संस्कृत पर लेक्चर मिलेगा। ये जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ना, जिससे वाला एक्साइटमेंट बढ़ता है उस भाषा के अंदर, उस स्किल में, उन सबके लिंक्स में डाल दूंगा। माहौल बनता है इससे, मतलब इंसान के दिमाग में वो चीज़ चलती रहती है और एक्साइटमेंट आता है और मतलब एंथुजियाज्म बढ़ता है और करना है करना है करना है करना है ना। दूसरा पॉइंट ही हो गया, पहला पॉइंट ही हो गया क्लैरिटी होनी चाहिए क्यों वाई, सेकेंडली माहौल बनाना, और तीसरी चीज़ अब थोड़ा अब उसमें घुसना है आपको। जैसे कि मैंने अपना भाषण बनाया था ना, तो आपको मैच कराना है कि यार इस शब्द का मतलब क्या है। मम मतलब मेरा बोल रहा है, ये अहम मैं बोल रहा है, अच्छा, और ये आपको शब्द पहचानना और नियम दो चीज़ें हैं बता रहा हूँ मैं इसके अंदर, जो थर्ड पॉइंट है शब्द और भाषा के नियम। जब आप कार्टून मूवीज देखेंगे, शॉर्ट फिल्म देखेंगे, किसी का भाषण देखेंगे, भाषण कि बात आती है तो चमू कृष्ण शास्त्री के भाषण बहुत सुने मैंने, वो मेरा हीरो है। दिस इज ऑल्सो अनदर पॉइंट, हाउ यू डिफाइन योर हीरोज। तो अगर आप शाहरुख खान को अपना हीरो डिफाइन करेंगे तो ठीक है, आप उसके फैन बन जाएंगे, आप उसे गुलाम बन जाएंगे, लेकिन मैंने अपना हीरो डिफाइन किया हुआ है संस्कृत के लिए चमू कृष्ण शास्त्री को, उसके मैंने बहुत सारे भाषण चाटे हैं। तो जब वो भाषण देता है तो आपको शब्द पकड़ने होते हैं कि इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। मैं 20 शब्द में आपको सिखाता हूँ इस वीडियो के अंदर। अत्र यहाँ, कुत्र कहाँ, यत्र जहाँ, सर्वत्र सब जगह, तत्र वहाँ, यदा जब कदा कब तदा तब, अद्य अद्य अद्यापि भारत देश अद्यापि, अद्य मतलब आज और अपि मतलब भी है ना। तो शब्द पकड़ने होते हैं और भाषा के नियम पकड़ने होते हैं। अद्य आज, श्व कल, कानिचित, मम संस्कृत भाषा यहाँ शिक्षण है, कानिचित शिक्षक नास्ति, कोई भी शिक्षक नहीं है, कानिचित शिक्षक नास्ति, कानिचित कोई है ना। उसके बाद शनय है धीरे, किम क्या, कदापि कभी, तरही शिक्षण पद्धति कदम भवेत, तरही तो मतलब देन है ना। तो ऐसे ऐसे नियम पकड़ लेने होते हैं आपको और ऐसे आपको शब्द पकड़ लेने, तरही तो हो गया, बिना बिना प्रयासम किमापि फलस्य प्राप्ति किमापि प्री बिना बिना प्रयासम किमापि फलस्य प्राप्ति असंभवा है ना, तर बिना। उसके बाद एव, एव मतलब ही, ये बहुत रिपीटेड होते हैं है ना। यत मम विचार अस्ति यत कथंचित अपि भाषायाः शिक्षणाय हृदय आत्मविश्वास भवेत, यत मम विचार अस्ति यत लगा दिया ना कि, तो ऐसे शब्द पकड़ लेने होते हैं। तू
तू मतलब तो, तथैव तथैव ऐसा भावना अस्ति, है ना, वो भाषण देख लेना आप मेरा वाला, वैसे ही। तो ऐसे आपको शब्द पकड़ लेने होते हैं। इससे क्या है कि एक एक न्यूरॉन, दो दो न्यूरॉन, तीन तीन न्यूरॉन बनता जाता है, फायर होता जाता है और उसके सर्किट बनते चले जाते हैं ना। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया, शब्द पकड़ लेने होते हैं और आपको नियम पकड़ लेने होते हैं। नियम जैसे कैसे कि मम संस्कृत भाषा याम, याम लगा दिए, मतलब भाषा में याम लगा देते, तो ऐसा कहना चाह रहा है कि मेरा संस्कृत भाषा में पहला, है ना, पहला प्रथम भाषणम। उसके बाद दूसरा जो मेरा डायलॉग था वो क्या था कि अहम संस्कृत भाषा यहा। तो अब नियम चेक करना होता है कि पहले सेंटेंस में तो कह रहा है भाषा में और अब बोल रहा है भाषा यहा, भाषा यहा मतलब उस भाषा का अध्ययन। तो यहा का मतलब होता है उस का लगा देना, उस भाषा का अध्ययन। तो ऐसे नियम पकड़ लेने होते हैं आपको। तो ये तीसरा पॉइंट चल रहा है। चौथा पॉइंट, अब थोड़ा और डीप में चला जाना होता है, कंटेंट कि सीखना कहाँ से है ना। कंटेंट के लिए मैं आपको शानदार बात बताता हूँ। जब एक्साइटमेंट बढ़ता है ना तो कंटेंट आते हैं। कंटेंट में एक तो वो खुद ही सारे कंटेंट का काम करेगा, कार्टून मूवीज, शॉर्ट फिल्म्स, चमू कृष्ण शास्त्री के भाषण, वो आपको कंटेंट का काम करेगा। उसके अलावा मेरे घर में छठी क्लास की एक बच्ची है, बड़ी बहन की लड़की है, उसकी ये किताब है, उसको ज़बरदस्ती पढ़वाई जाती है, तो मैं उसके कमरे से उठा उठा के ले आता हूँ। ये उसको बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए, मुझे पढ़नी चाहिए, ये बहुत सही है। वैसे मैं एनसीईआरटी किताबों का काफ़ी विद्रोह करता हूँ, विरोध करता हूँ, बहिष्कार करता हूँ, बट ये बहुत शानदार है। ये मात्र 50 रुपये की है, छठी क्लास की, ये आप खरीद लें। और अगर ये आप ना खरीद पाएँ तो ऑनलाइन आपको मिल जाएगी एनसीईआरटी की 6th क्लास की, उसमें तो इसके पीछे के जो क्वेश्चंस हैं ना वो भी सॉल्व दे रखे हैं। तो मतलब बढ़िया से कंटेंट आपको मिल जाएगा, पहली चीज़। और डीप में अगर आपको जाना है तो ये मैं खरीद के लेकर आया हूँ, 90 रुपये की, संस्कृत प्रभा। इसके अंदर बहुत है, मतलब बढ़िया से समास एक्सप्लेन कर रखा है, विभक्ति एक्सप्लेन कर रखी हैं, धातु एक्सप्लेन कर रखे हैं, अव्यय एक्सप्लेन कर रखी हैं। ये शब्द है ना, ये अब आपको ज़रूरत पड़ेगी, जब आपने थोड़ा माहौल बना लिया है, आपके अंदर क्लैरिटी आ गई, तब जाके आपको इन सब चीज़ों में घुसना होता है कि ये पठति पठतः पठंती, ये सब रामाभ्याम बालकेन फलेन फलेस्य, ये विभक्ति विभक्तियाँ, ये तब आपको घुसना होता है। तो ये तब अब जाके वो चीज़ें चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो तब जाके मुझे ज़रूरत पड़ रही है इसकी, और मुझे, मैं उसको रोज़ चाटता हूँ। तो ये चौथा पॉइंट चल रहा है, कंटेंट। कंटेंट के अंदर एक तो मैंने ये दिखा दी, दूसरा मैंने ये दिखा दिया, और तीसरी चीज़, और ये पहली चीज़ से रिलेटेड है। पहला पॉइंट था कि क्यों भाई, मैं तो अपने आप को मानता ही हूँ विष्णु का अवतार, तो मुझे तो दुनिया को प्रूव करना ही है कि मैं ही कृष्ण हूँ, तो मुझे कृष्ण के सारे श्लोक भी याद होने चाहिए, समझ में भी आने चाहिए और उनकी व्याख्या भी होनी चाहिए, तो इसको समझने के लिए। और फिर न्यूरोप्लास्टिसिटी के तीसरे या चौथे लेक्चर के अंदर मैंने एक पॉइंट कहा था, नोन टू अननोन जाने वाला, जो एजुकेशन में क्या होता है वो अननोन टू नोन सिखा रहे हैं। अननोन टू नोन कैसे सिखा रहे हैं, मतलब कि वो सिखा रहे हैं जेड फॉर जेबरा, तो आपको जेड पता होना चाहिए। अबे जेबरा तो मैंने आज तक नहीं देखा, इतने सारे बच्चों को जेबरा कैसे पता होगा, और हिंदुस्तान में तो एक्समस होता नहीं है, तो वो एक्समस ट्री क्यों बताते हैं। तो वो जो फिलोसफी सिखाने की वो जो तरीका है वो अननोन टू नोन है, आपको नोन टू अननोन जाना। नोन टू अननोन का मतलब क्या है, जो चीज़ आपको पहले से पता है ना उससे आपको चीज़ें निकालनी सीखनी है। फॉर एग्जाम्पल, इस किताब का सबसे जो मेरा फेवरेट डायलॉग है ना, जो सबसे फेवरेट श्लोक है वो है चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 8, 7 और 8 है। 7वां जैसे ये है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सजाम्यहम्। उसके बाद जो 8वां आता है वो सबसे शानदार है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थानां पड़ता है संभवामि युगे युगे। इसका मतलब ये है, मतलब ये अवतारों वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब मैं अपने आपको अवतार मानता हूँ, मसीहा मानता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अधर्म है उसको मिटाना मेरा फ़र्ज़ है दुनिया में से, और जो साधुओं की रक्षा करना, अच्छे लोगों की रक्षा करना और बुरे लोगों का खात्मा करना, तो ये उस बारे में है ही, चैप्टर नंबर 4 का श्लोक नंबर 8। अभी आप समझिए कि नोन टू अननोन कैसे जा रहा हूँ। नोन क्या है मेरे लिए, नोन मेरे लिए ये श्लोक है और इसका मतलब मेरे लिए नोन है। अननोन क्या है मेरे लिए, अननोन मेरे लिए विभक्तियाँ हैं, अननोन मेरे लिए अव्यय है, संज्ञा धातु वगैरह हैं, ठीक है। तो मैं कैसे जा रहा हूँ, परित्राणाय साधु नाम, अब मैं खोलता हूँ विभक्तियाँ, विभक्तियों का चैप्टर, अब मैं जा रहा हूँ, समझिए वो
हरामपुर था ना, MD शर्मा स्कूल में जो पढ़ाते थे, DD शास्त्री, वो पहले चटवा देता था विभक्ति चाटो, ये राम ने कर्ता ने करण को ये करवाई मदद करता। तो आप ये समझिए, परित्राणाय साधुना मतलब साधुओं की रक्षा करने के लिए कर्ता ने कर्म को, अब आराइए कर्ता ने कर्म को करण से, आ रहा है ना, नजर आ रहा है, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, आ रहा है नजर, संप्रदान के लिए, बचाने के लिए, आय आय आ गया, परित्राण आय। तो अब मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे चौथी विभक्ति लग रही है, अब मुझे क्लैरिटी आ रही। तो ऐसे मैं नोन टू अननोन जा रहा हूँ, परित्राणाय साधु नाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए। साधु मतलब एक तो बहुवचन हो गया, साधुओं की रक्षा करने के लिए, की मतलब षष्ठी संबंध का के की है ना। तो मैं देखूंगा कि बहुवचन में बालक की षष्ठी विभक्ति लगती है, बाल का नाम। देखिए अगर नजर आ रहा हो तो, आ रहा है क्या नजर, ये बालक की आप देखिए षष्ठी विभक्ति लग रही है बहुवचन में, बाल का नाम, बाल का नाम। तो इससे मुझे क्लैरिटी आ रही है, परित्राणाय साधु नाम, साधुओं की है ना। तो ये मेरा पॉइंट है, दिस इज हाउ यू गो फ्रॉम नोन टू अननोन। परित्राणाय साधु नाम, विनाशाय च दुष्कृताम, संस्थापना अर्थ है, धर्म संस्थापना अर्थ है, संभवामी युगे 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 युग युग में मैं आता हूं। सप्तमी विभक्ति लग रही है, सप्तमी, देखिए सप्तमी में पर, और ये देखिए फल, सप्तमी फल, सप्तमी फले है ना। तो ऐसे मुझे क्लैरिटी आ रही है। तो ये आपका है फोर्थ पॉइंट, मतलब कंटेंट के ऊपर आप आ जाइए, टेक्निकल बन जाइए। और पांचों पॉइंट ये कि जब आपने इन सब चीज़ों को अपने अंदर घुसा लिया है, तो अब थोड़ा एक्सप्रेशन मोड में आ जाइए, थोड़े क्रिएटिव मोड में आ जाइए। जैसे कि मैंने अपना भाषण बना लिया ना, आप अपना कुछ निबंध लिखने की कोशिश कीजिए, दो चार कन्वर्सेशन करने की कोशिश कीजिए। किससे करेंगे वो होगा नहीं, सोसाइटी सब मीडियो करें, तो आप मुझसे ही करें, इस वीडियो के नीचे कमेंट आके करें, अपना नाम आके बताएं, ममा नाम है हितेश, मैं कहाँ रहता हूँ वगैरह वगैरह, अपनी तरफ से कुछ बनाएं और नीचे आगे पोस्ट करें। तो ये एक्सप्रेस करने वाली बात हो जाती है। और ये जो एक्सप्रेशन है, जो पांचवा पॉइंट है, ये तो आप किसी पॉइंट में भी कर सकते हैं, सेकंड वाले पॉइंट के साथ में भी कर सकते हैं, थर्ड वाले पॉइंट के साथ में भी कर सकते हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पहला पॉइंट था कि क्लैरिटी होनी चाहिए क्यों करना है और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दूसरा पॉइंट ये है कि माहौल बनाना है, और तीसरा पॉइंट ये है कि अब थोड़ा घुस जाना है, कंटेंट में घुस जाना है और चेक करना है कि कैसे शब्दों को समझने की कोशिश करनी है, और जो उसके नियम कानून है थोड़ा समझने की कोशिश करनी है उसी माहौल से, ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट था कि आप लिटरली अब कंटेंट वगैरह तैयार करें, गीता तो होनी ही चाहिए, अगर आप हिंदू हैं और संस्कृत भाषा को पढ़ रहे हैं तो गीता तो होनी चाहिए, गीता ले लें, छठी क्लास की किताब ले लें, व्याकरण की किताब ले लें। और पाँचों पॉइंट ये कि कुछ एक्सप्रेस करने की कोशिश करें। नमो नमः।